यू नो विपासना इज वेरी इफेक्टिव इन लेटिंग यू कम टू सत्वगुण. बारूद भरा हुआ था उसमें जो चिंगारी लगी वो लगी विपासना में. मैं विपासना गया था. यहां पता है किसी को विपासना क्या है? इस दुनिया में अधिकांश व्यक्ति गुस्सा, तनाव, वासना, चिंता, भय एवं दुख से पीड़ित है. और इस विकार का मुख्य कारण क्या है, जड़ क्या है, लोगों को पता नहीं है. अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे लोग अपना इस विकार से मुक्त हो जाएं, तो हमारा समाज ही नहीं बल्कि हमारा देश एक खुशहाली की जीवन व्यतीत करने लगेगा. किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बाहरी परिस्थितियां हमें दुखी नहीं करती बल्कि हमारी मन की दुर्बलता हमें दुखी बनाती है. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह. आज बात करेंगे विपश्यना क्या है, विपश्यना मेडिटेशन क्यों करना जरूरी है और इससे क्या लाभ होता है. विपश्यना मेडिटेशन से आप अपने मन की दुर्बलता को दूर करके अपने विकारों से मुक्त होकर सकारात्मक, सुखी एवं शांति में जीवन व्यतीत कर सकते हैं. विपश्यना मेडिटेशन 2500 साल पुरानी विद्या है जिसकी खोज महात्मा बुद्ध ने की थी. उन्होंने यह ढूंढ निकाला कि किस तरह एक आम इंसान अपने सारे दुखों से मुक्त हो सकता है. विपश्यना का अर्थ है विशेष रूप से देखना. किसको देखना? खुद को देखना. विपश्यना मन को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने की साधना है, मन को विकार मुक्त बनाने की साधना है. विपश्यना क्यों जरूरी है? एक सुखी जीवन जीने के लिए, अपने दुखों से मुक्त होने के लिए विपश्यना मेडिटेशन जरूरी है. यहाँ 10 दिन के शिविर में हमें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत करने के लिए मुख्यतः 3 नियम पर जोर दिया गया है. सबसे पहला है सील, अनुशासन, शारीरिक अनुशासन. मन को बस में करने से पहले शरीर को बस में करना होगा. यहाँ नए साधक को 5 सील का पालन करना होता है. सबसे पहला, हिंसा न करना. शिविर के दौरान किसी जीव की हत्या नहीं करनी होती है. दूसरा, चोरी न करना. चोरी नहीं करना है. तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है. आप वीर्य नष्ट नहीं कर सकते हैं 10 दिन के शिविर में. चौथा, झूठ व अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है. पांचवा, नशे से दूर रहना है. सील के पालन करने का मुख्य वजह यह है कि जब हम कोई भी ऐसा कार्य जैसे किसी की हत्या करते हैं तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हमारी सांसें तेज हो जाती है और इस व्याकुल परिस्थितियां में अपने मन को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है. इसी तरह जब हम झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं या अब्रह्मचर्य यानी मैथुन करते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है. सील पालन करने से हम शारीरिक स्तर पर काबू पाते हैं जो हमें अंतर्मुखी बनने में, अपने अंदर झांकने में, अपने चित्त को, अपने मन को शांत करने में मदद करती है. दूसरा स्तंभ है समाधि, यानी अपने मन को बस में करना. यहाँ आपको 3 दिन तक आनापान मेडिटेशन के जरिए अपने मन को स्थिर करना सिखाया जाता है. हम सब जानते हैं कि मन बड़ा चंचल है, चपल है, पर यह आपको प्रैक्टिकली आनापान प्रक्रिया के जरिए मन के स्वभाव को समझना एवं मन को स्थिर करना सिखाया जाता है. तीसरा स्तंभ है प्रज्ञा, यानी हर क्षण, हर समय सजग रहना एवं तटस्थ भाव बनाए रखना. हमारा शरीर भी अनुशासित हो गया, मन भी अनुशासित हो गया. अब तीसरा है मन को मजबूत करना, मन को विकारों से मुक्त करना. मन को मजबूत करने के लिए, मन को विकारों से मुक्त करने के लिए चौथा दिन विपश्यना मेडिटेशन सिखाया जाता है. विपश्यना का अर्थ है विशेष रूप से अपने शरीर को देखना अपने मन के जरिए. महात्मा बुद्ध ने देखा कि इस संसार में हर मनुष्य दुख से पीड़ित है. इस दुख मुक्ति का कोई तो उपाय होगा और उन्होंने यह ढूंढ निकाला. भय, चिंता, गुस्सा, तनाव एवं दुख से मुक्त होना चाहते हैं, एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो एक बार 10 दिन का शिविर जरूर पूरा करें. शिविर के नियम, यहाँ शिविर में जाने से पहले आपको कुछ नियम समझ लेना है जिसका आपको वहाँ बखूबी पालन करना है. पहले दिन आपका मोबाइल, आपका वैल्यूएबल आइटम, आपकी किताबें, लिखने पढ़ने की सामग्री, गंडा ताबीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जमा करवा लिया जाता है. 9वें दिन आपको यह सारी चीज़ें मिल जाती है. दूसरा नियम, 9 दिन तक आर्य मौन का पालन करना है, यानी आपको आपस में बातें नहीं करना है,
चुप रहना है। हाँ, आप आचार्य जी से प्रश्न पूछ सकते हैं या अगर कोई समस्या है तो सेवक से मिल सकते हैं। तीसरा, नए साधक को 6:30 बजे नाश्ता, 11 बजे खाना एवं शाम को 5 बजे हल्का नाश्ता, चाय एवं फल मिलते हैं। रात में खाना नहीं दिया जाता है। चौथा नियम, सुबह 4:30 बजे से मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका डिटेल्स आप टाइम टेबल में देख सकते हैं। पांचवा, यह किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से संबंधित नहीं है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, और अपना दुख मुक्ति की इस प्रक्रिया को समझ करके दुख से मुक्त होते हैं और एक सुखी जीवन जीते हैं। जैसे ही आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे लो लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो 3 डेज का कॉलम दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद सर्च पे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं, आपको इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप नया स्टूडेंट हैं तो इसको छोड़ देना है। आपको यहाँ पे आप किस जगह आप कोर्स करना चाहते हैं, बिहार में करना चाहते हैं तो आप यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश, झारखंड में करना चाहते हैं झारखंड। ये भारत के लगभग हर राज्य में और लगभग पूरे देश में इसका ब्रांच है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कोर्स लैंग्वेज, आपको हिंदी, इंग्लिश, बर्मन, जिसमें आपको समझना है, इस कोर्स को सुनना है, इस कोर्स के बारे में जानना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे, आपको मुजफ्फरपुर में 19 अप्रैल से होने वाला है, उसमें आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 1 मई से बोधगया धमबोधी में। यहाँ से आपने अप्लाई पे क्लिक किया, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में आगे जाना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी पे सिलेक्ट किया। अब आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको चूज करते जाना है कि आपने सत्यनारायण गोयनका अथवा उनके अन्य की सहायक आचार्य के साथ 10 दिवसीय शिविर पूर्ण किया है, नहीं। लिंक चुनिए, देश, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें पढ़ने को मिलेगा, यानी विपासना साधना का परिचय एवं स्वशासन और अनुशासन संहिता। आपको जो मैंने बताया 5 सील, जैसे जीव हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, यानी अब्रह्मचर्य से विरत रहेंगे, असत्य भाषण से विरत रहेंगे, नशे सेवन से विरत रहेंगे, यानी नहीं करेंगे। और जो पुराने साधक हैं उनके 5ों के साथ साथ 3 और सील का पालन करना होता है, यानी 8 सील का पालन करना होता है, कि वह दोपहर के बाद भोजन नहीं करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन मनोरंजन से विरत रहेंगे और ऊंची आरामदेह विलासी सैया से के प्रयोग से विरत रहेंगे। समर्पण, आचार्य से मिल सकते हैं आप, अगर कोई आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है कर सकते हैं। शारीरिक स्पर्श नहीं करना है, और माला, कंठी, गंदा तबीज, ये सब अगर लेकर आए हैं तो आपको 10 दिन के लिए आपको अपने लॉकर में रखना होता है। नशीली वस्तुओं का सेवन करना मना है, आप वहाँ पे सेवन नहीं कर सकते। समय सारणी दिया गया है, सुबह 4 बजे घंटी बज जाती है जगने की, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक मेडिटेशन हॉल में आपको रहना होता है, 6:30 से 8 आपको नाश्ता और ब्रेक मिलता है, 8 से 9 आपको ध्यान कक्ष में सामूहिक साधना करनी होती है, 9 से 11 आपको निवास स्थान या आपको मेडिटेशन हॉल में मेडिटेशन करना होता है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लंच ब्रेक होता है और आराम दिया जाता है, 1 बजे से 2:30 बजे तक आपको मेडिटेशन करना होता है, 2:30 से 3:30 मेडिटेशन करना होता है, यानी कि यहाँ पे सामूहिक साधना होती है, 3:30 से 5 बजे तक आपको फिर मेडिटेशन करना होता है, 5 से 6 आपको विश्राम मिलता है और उस समय आपको हल्का सा नाश्ता या चाय मिलता है, 6 से 7 बजे आपको हॉल में सामूहिक साधना होती है, 7 से 8:15 या 8:30 बजे तक प्रवचन चलता है। 9 बजे के बाद आपका कोई सवाल है तो आप आचार्य जी से मिल करके उस सवाल को आप पूछ सकते हैं। उसके बाद 9:30 बजे के बाद आप सो सकते हैं। आगे चलना, इसमें आपको पूरा आपका डिटेल फिल करना है, फोटो आईडी का प्रकार, आधार कार्ड, आधार नंबर, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, प्रदेश, पिन कोड, देश इंडिया,
जन्म का देश इंडिया, प्रारंभिक भाषा हिंदी, अंग्रेजी इंटरमीडिएट, हिंदी एक्सपर्ट। किस भाषा में डिस्कोर्स सुनना चाहेंगे? हिंदी में एक्सपर्ट हैं। अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। घर का फोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, शिक्षा, व्यवसाय, अगर और कोई दूसरा व्यवसाय है तो या नो लिख देना है, कंपनी में जॉब करते हैं ठीक है, नहीं तो नो लिख देना है। पदनाम अपना, यहाँ फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपातकालीन संपर्क नाम, यानी आपातकालीन स्थिति में किस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं उनके पास कॉल जाएगा, जैसे गुरु कुमार, उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उनके साथ रिश्ता, फ्रेंड है तो आप लिख दें फ्रेंड। आगे उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुलता है। पहले साधना का अनुभव, आपने विपश्यना के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की, या आपको इस शिविर से किसने परिचय कराया, तो आपके YouTube से मालूम चला है तो आप YouTube लिख देंगे। या आपने पहले किसी ध्यान तकनीक चिकित्सा चिकित्सा पद्धतियों का अनुभव ले चुके हैं, स्वास्थ्य का भी नोट, आपकी स्वास्थ्य कैसी है, रोग नहीं है तो नहीं है क्या, यानी चिंता घबराहट इस तरह का समस्या होता है तो हाँ, नहीं तो नहीं क्या, भाई पिछले 2 वर्षों के भीतर कोई भी निर्धारित दवा ले रहे हैं, यानी लगातार कोई ऐसी जो दवा है 2 साल से ले रहे हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं क्या, आपने अभी पिछले 2 साल में कोई शराब नशीली दवा जैसे गांजा वगैरह पिया है, अगर पीते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं क्या, आपने वर्तमान परिवार संबंध और मानसिक स्थिति का वर्णन कैसे करेंगे? गुड, परिवार का संबंध अच्छा है। अगर कोई आपके साथ और भी लोग हैं जो इस शिविर को करने वाले हैं, अगर आप अकेले हैं तो नहीं, साथ में है तो हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? सकते हैं पॉजिटिव माइंड, सिंपल सा बात है, फोर पॉजिटिव माइंड के लिए। और कोई संस्करण जोड़ना चाहेंगे? नहीं। अपना नाम, तारीख, आज का तारीख है, और यहाँ से आपको मैं सहमत हूँ और सादर करता हूँ, आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। आप यहाँ से आपको अगर कुछ नाम में बदलाव करना है, आपके एड्रेस में बदलाव करना है, या आपके ईमेल आईडी में बदलाव करना है, या आपके घर के फ़ोन नंबर में, या आपके फ़ोन में बदलाव करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद पुष्टि दीजिए और भेजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, और आपके मेल पे जो भी मेल आपने दिया था, आपके मेल पे इस तरह का एक एडमिट कार्ड आ जाता है। वी आर प्लेस टू गिव यू अ कन्फर्मेशन नंबर के साथ साथ आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो इस तरह का आ जाता है। इसको डाउनलोड करके, इसका फोटोकॉपी निकाल करके, और आप जा सकते हैं वहाँ पे मेडिटेशन शिविर में।